बाल्यावस्था में जो बालक है उसका शारीरिक विकास किस ढंग से होगा, वो चीज अब हम लोग करने वाले हैं। तो जो शारीरिक विकास है, सबसे पहले बात करेंगे लंबाई, ठीक है, कि बालक में जो लंबाई है वो किस तरीके से बढ़ेगी। तो बाल्यावस्था में जो लंबाई है प्रति वर्ष है ना 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा लंबाई की, तो बाल्यावस्था में जो लंबाई है प्रतिवर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। लेकिन इस अवस्था में आपसे पूछता है कि बालक बड़ा होता है या बालिका बड़ी होती है। आपको पता होना चाहिए लंबाई में बालक बड़ा होता है बालिका की अपेक्षा, बालिका छोटी होती है ना बालक की अपेक्षा। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लंबाई का, है ना। लंबाई में जो है वो प्रतिवर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, और प्रारंभ में बालक बड़े होंगे और बालिका छोटी होंगी। मतलब बालिकाओं की जो लंबाई होगी वो 107 सेंटीमीटर और बालकों की लंबाई होगी 108 सेंटीमीटर। ये कब होगा? ये आरंभ में, जैसे ही बाल्यावस्था आरंभ होगी ना, उसमें बालक की जो लंबाई है वो होगी 108 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई होगी 107 सेंटीमीटर। ये बाल्यावस्था के आरंभ में है। अगर मैं इसी की बात करूंगा अंत अवस्था में, बाल्यावस्था की अंत अवस्था की बात करूंगा, तो यहां पर बालक जो होगा वो छोटा होगा किसकी अपेक्षा? बालिका की अपेक्षा। बालिका यहां पर लंबाई में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। मतलब कैसे होगा? एक जो बालिका है उसकी लंबाई हो जाएगी 139.2 सेंटीमीटर, ठीक है। बालिका की लंबाई हो जाएगी 139.2 सेंटीमीटर और बालक की लंबाई हो जाएगी 138.8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि बाल अवस्था में, बाल अवस्था के प्रारंभिक समय में बालक बड़ा होता है बालिका से, 108 सेंटीमीटर बालक, 107 सेंटीमीटर बालिका, ठीक है। ये बालिका का है और ये है बालक का। लेकिन जैसे ही अगर बात करेंगे, जब हम आएंगे बाल अवस्था के अंतिम में, लास्ट बचे हुए जब 1-2 साल होंगे, तो उस समय बालिका की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है और वो बालक की अपेक्षा क्या हो जाती है? सबसे लंबी होती है या बड़ी होती है। इसको बोलेंगे 139.2 सेंटीमीटर। और बालक की लंबाई कितनी हो जाती है? 138.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा बाल अवस्था में शारीरिक वृद्धि सबसे अधिक किसकी होती है, तो नोट करके लिख लेना। अगर सवाल आ गया बाल्य अवस्था में सबसे ज्यादा शारीरिक वृद्धि किसकी होती है, सबसे सर्वाधिक वृद्धि बालिका में होती है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है कि बाल अवस्था में सबसे ज्यादा जो वृद्धि होगी शारीरिक वृद्धि किसमें होगी? बालिका में होगी, ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ लंबाई, अब हम बात करेंगे हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि शैशवावस्था में जो हृदय की धड़कन है वो कितनी धड़कती है? 140 पर मिनट, बहुत तेजी धड़कता है हृदय। लंबाई के बाद सेकंड पॉइंट लिखना धड़कन। धड़कन को मैं बताया था कि जब धड़कन शैशव अवस्था में धड़कती है तो 140 बार प्रति मिनट, मतलब तो 1 मिनट में 140 बार धड़कन धड़कती है। अगर मैं आपसे पूछूं एक वयस्क इंसान की धड़कन पर मिनट कितनी बार धड़कती है? 72 बार धड़कती है, 72 बार धड़कती है। लेकिन एक नवजात शिशु को देखना, जब वो शैशवावस्था में होगा तो उसकी धड़कन कितनी बार धड़केगी पर मिनट? 140। अब हम आज जो पढ़ रहे हैं बाल्य अवस्था, बाल अवस्था में उस व्यक्ति या शिशु की जो धड़कन है वो कितना पर मिनट धड़केगी? 100 बार प्रति मिनट। समझ गए? 100
100 बार प्रति मिनट उसकी धड़कन धड़केगी कहां पर? बाल्य अवस्था में। और मैं एक चीज और बता देता हूं, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था से हमारी धड़कन हो जाती है 72 प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़केगी धड़कन, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखेंगे जी। अंत अवस्था मतलब हुआ कि जब हमारे आरंभ मतलब शुरू के 6 से 8 वर्ष और अंतिम के जो 3 वर्ष होंगे उसको बोलेंगे अंत अवस्था। मतलब बाल अवस्था का प्रारंभिक समय क्या कहलाएगा? 6 7 8। और अंत अवस्था क्या कहलाएगी? 10 11 12, वो है अंत अवस्था। जैसे जैसे हमारा बाल अवस्था खत्म होता जाएगा ना, जैसे अभी हमारा 2019 नवंबर दिसंबर कौन से वाले महीने थे? अंत वाले महीने थे। अब ये लग गया जनवरी, तो 2020 का कौन सा महीना है? आरंभ महीना है। कौन सा महीना है? आरंभ। तो आरंभ काल है। जब हम इस 2020 के नवंबर दिसंबर में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? अंत, अंत माह, मतलब अंतिम के माह, ठीक है? अंत को आप अंतिम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम काल, आरंभ काल में ये होता है और अंतिम काल में ये होता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। धड़कन के बाद आपको पता होना चाहिए मांसपेशियां का विकास कितना होता है। तो मांसपेशियां के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मांसपेशियां जो है, शैशवावस्था में मांसपेशियां का कितना विकास हुआ बताएंगे? 28 से 25% होता है। कितना होता है? 28 से 25% ध्यान रखेंगे। मांसपेशियां का विकास 28 से 25% होगा। सेकंड में पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में जो मांसपेशियों का विकास होगा 35% होगा। इसके बाद आएगी किशोर अवस्था, और किशोरावस्था में जो मांसपेशियों का विकास होगा 65%, मतलब 65%, ठीक है? इसके बाद आ जाइए हड्डियों पे। हड्डियां आपको मालूम होनी चाहिए, जब बालक शैशवावस्था में होता है उसकी कितनी हड्डियां होती हैं बताओ? 270 हड्डियां, 270। और जब बाल्यावस्था में आता है तो कितनी हो जाती हैं? 350। लिख लेना, शैशवावस्था में बालक की 307 अस्थियां होंगी या हड्डियां होंगी। जब बालक बाल्यावस्था में होगा तो उसकी 240 अस्थियां होंगी, और जब बालक किशोरावस्था में जाएगा तो उसकी अस्थियां कितनी होंगी? 207। कितनी हो जाएंगी? 207। ये तीन चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना? सॉरी, शैशवावस्था का 270 है, ये कितना? 270, और ये 350। शैशवावस्था में जो हड्डियां हैं वो 270 होंगी, बाल्यावस्था में 350, किशोरावस्था में 207। ये हड्डियों का विकास है कि किस अवस्था में कितनी हड्डियां होती हैं। कंप्लीट हो गई इतनी जानकारी? लंबाई, धड़कन, मांसपेशी, हड्डियां।